नवोदय क्रांति परिवार मध्य प्रदेश की ई पत्रिका शिक्षा सोपान का विमोचन संपन्न हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर डाइट धार में नवोदय क्रांति परिवार मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित ई पत्रिका शिक्षा सौरभ का विमोचन जिला शिक्षा अधिकारी माननीय दिनेश दुबे, डाइट प्राचार्य माननीय अनिल वर्मा, डीसी सैते, सहायक संचालक महेंद्र शर्मा, एपीसी कमल सिंह ठाकुर, भूषण देशपांडे, साहित्यकार शरद जोशी शलभ, नेशनल गाइड पूर्व डाइट प्राचार्य जयंत जोशी, प्रमोद शर्मा, नेशनल मोटिवेटर गोपाल कौशल, संपादक राम शर्मा परिंदा के आतिथ्य में किया गया। संचालन मुकेश मेहता ने किया। आभार स्टेट मोटिवेटर रघुवीर सिंह सोलंकी ने माना। इस अवसर पर मन्नालाल सोलंकी, जिला मोटिवेटर बड़वानी, यशोदा परमार, ब्लॉक मोटिवेटर गंधवानी, योगेंद्र पांडे, प्रमोद बैरागी, शर्मिला रावल, जैन मैडम, कैलाश परमार, दीपालपुर आदि उपस्थित थे। यह हमारी पत्रिका शिक्षा निकालने जा रहा है, जिसमें जिले स्तर पर प्रदेश स्तर पर भी नवाचार रही है। बहुत बहुत भारत का सबसे बड़ा सरकारी शिक्षकों का संगठन है, जो सरकारी शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसका एक मुख्य वाक्य है, सबके लिए सरकारी शिक्षा, बेहतर हो हमारी शिक्षा, इस उद्देश्य पे कार्य कर रहा है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो शिक्षा सौरभ, तो ये शिक्षा के लिए, जो बच्चों में विकास के लिए गुणवत्ता लाने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास देश के समस्त शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी आशा की जाती है, इनका भी पूरा पूरा यह प्रयास है, शासन उनको सहयोग प्रदान कर रहा है, अधिकारी वर्ग भी उनको सहयोग देने के तैयार है। तो ये शिक्षा का जो सौरभ है, जो सुगंध है, वो बच्चों में पूरी तरह से फैले और उनका जीवन पुष्पित हो, पल्लवित हो, उनका जीवन सजे और सवरे, यही प्रयास है नवोदय क्रांति परिवार का। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना अभिव्यक्त करता हूँ। और राम शर्मा परिंदा और गोपाल कौशल जी, ये बराबर इसके लिए प्रयासरत हैं। और ये पुस्तक का और शुरू प्रदान किया है श्री राम शर्मा परिंदा ने, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और साथ ही एक विशेषता यह भी है कि राम परिंदा की बताने का प्रयास करूं मैं कि प्रतिदिन व्हाट्सएप पर एक रचना राम शर्मा परिंदा की आती है, और ये वो बधाई के पात्र हैं, पुस्तक की रचना की उन्होंने। और इसी प्रकार से उनकी सफलता के लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना अभी।